एवरीवन, आज हम कुछ ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेट करना सीखेंगे जो कि बहुत ही यूजफुल होते हैं। जैसे आप बोलते हैं, काश मेरे पास कार होती, काश तुम एक टीचर होते, काश वह एक गाना गा रहा होता है। तो यही सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिएगा, काश लिखा हुआ मिलता है, यदि और पास मिलता है, और होता होती होते में से कोई भी स्ट्रक्चर यदि हिंदी में देखने को मिलता है। जैसे कि ये पहला लिखा हुआ सेंटेंस, काश मेरे पास कार होती, तो हम वुड डेट और हैड का प्रयोग करेंगे। तो देख लीजिए कैसे ट्रांसलेट करते हैं। काश के लिए हम वुड डेट का यूज करते हैं, आई मतलब मेरे, और पास होने के सेंस में हम हैड का यूज कर रहे हैं, आ कार। तो यहाँ पे ट्रांसलेट होगा, वुड डेट आई हैड अ कार। हम इसी स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे, वुड डेट प्लस हैड का। काश मेरे पास लैपटॉप होता, तो यहाँ पे देखिए काश लिखा हुआ है और यहाँ पास और ये होता, तो ये जो हमें पहचान देखने को मिल रही हिंदी में यहाँ पे सेम है। तो हम वुड डेट प्लस हैड का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, वुड डेट आई हैड अ लैपटॉप। काश मेरे पास एक आलीशान बंगला होता, वुड डैट आई हैड अ लग्जीरियस बंगलो। इसको हम अदर वे में भी कह सकते हैं, जैसे कि आई विश आई हैड अ लग्जीरियस बंगलो। काश मेरे पास आईफोन होता, काश के लिए वुड डैट और मेरे के लिए आई, और स्ट्रक्चर हैड का यूज करेंगे पास होने के सेंस में, एन आईफोन। आप सुन पा रहे होंगे कि आईफोन में आ वर्ड आता है जो कि स्वर है आ, इसलिए इसके आगे एन आर्टिकल का यूज किया गया है। कुछ इस तरीके के भी सेंटेंस होते हैं जिसमें पास लिखा नहीं होता है, काश और होता होती होते हैं लिखा होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ काश लिखा हुआ है, पास यहाँ नहीं लिखा हुआ है, और लास्ट के स्ट्रक्चर में देखिए होता होती होते में होते बसाया है। तो हम वुड डेट और प्लस वर का यूज करेंगे, ये वाला इंग्लिश का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। जैसे कि काश तुम गायक होते, वुड डेट काश के लिए, यू मतलब तुम, और वर का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, और गायक के लिए अ सिंगर, वुड डेट यू वर अ सिंगर। काश तुम आईएएस ऑफिसर होते, वुड डेट काश के लिए, यू मतलब तुम, और वर का स्ट्रक्चर है लिखा हुआ है इसलिए वर यहाँ पे यूज करेंगे, और आईएएस के आगे एन आर्टिकल यूज करेंगे, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि आईएएस में आप बोल रहे हैं जो कि स्वर है, तो इसके आगे एन आर्टिकल का यूज किया जाएगा। तो वुड डैट यू वर एन आईएएस ऑफिसर। काश तुम शिक्षक होते, काश के लिए वुड डैट यू मतलब तुम, वर स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे हमें एक चीज और देखना पड़ेगा, जो टीचर लिखा हुआ है तो जब हम प्रोनाउंस करते हैं टीचर टा वर्ड का, तो यह कैसा है, व्यंजन है, इसके आगे हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। तो कंप्लीट सेंटेंस होगा, वुड डैट यू वर आ टीचर। हम कुछ ऐसे भी सेंटेंस देखते हैं जिसमें सिर्फ काश लिखा होता है, पास और होता होती होते में से ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है। आप देखिए यहाँ पे काश लिखा हुआ है और उसके आगे जो हमारे पास वाला पिछला जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है वो फॉलो नहीं हो रहा है, तब हम वुड डैट और वुड का यूज करके ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं। काश वह गाना गाती, वुड डैट गाती मतलब लड़की है, इसलिए हम वह क्या यहाँ पे सी यूज करेंगे, वुड डैट सी वुड सिंग अ सॉन्ग, गाना गाने को सिंगर सॉन्ग कहते हैं। काश वह भाषण देता, देता मतलब लड़का, इसलिए हम यहाँ पे ही का यूज करेंगे, वुड डैट ही वुड स्पीच आ स्पीच, देना मतलब भाषण देने का मतलब है कि यहाँ पे गिव अ स्पीच। तो आई होप इस तरीके के सेंटेंस आप और भी बना पाएंगे।